कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो वो आप कोई भी डोमेन रिन्यू करते टाइम जो वो पैसा बचा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, रिन्यू करते टाइम पैसा आप कैसे बचा सकते हैं। देखिए आपके सामने मेरा जो वो ये एक डोमेन है जिसको मैं रिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है अगर 3 ईयर्स सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो वो लगभग 3500 रुपये के 3460 रुपये देने पड़ते हैं। अगर हम यही 2 साल चूज़ करते हैं तो आप देखिएगा हमारे को जो वो लगभग 2208 रुपये देने पड़ रहे हैं। और यही अगर हम लोग 1 साल का चूज़ करेंगे तो हमारे को देना पड़ रहा है सिर्फ 957 रुपये। अब 957 है, सोचिए अगर हम लोग 957 रुपये 1 साल के दे रहे हैं, 957, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 1914 रुपये बनते हैं, 3 से 2871 रुपये बनते हैं। लेकिन ये क्या बनाता है, अगर हम यहाँ पर 2 साल करते हैं तो 1900 कुछ रुपये नहीं बनाता, ये बनाता है 2200 कुछ रुपये। तो हमें जब वो हमेशा अगर पैसा बचाना है और कई सालों के लिए रिन्यू करना है तो 2-3 बार आप रिन्यू कीजिए, लेकिन एक एक साल का ही कीजिएगा। अभी अगर हमने यहाँ पर रेट देखिए 957 के हिसाब से 3 साल का बनाया है, 957 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 2871 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये क्या बनाता है 3460 रुपये। हम रिन्यू भी ज़्यादा समय के लिए करें और पैसा भी ज़्यादा भुगतें, फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, कहाँ हमारे को बेनिफिट होता है, कोई बेनिफिट नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए कि कैसे जब वो हम लोग डोमेन्स को रिन्यू करते टाइम पैसा बचा सकते हैं, कुछ पैसा सेव कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको हमेशा फ्री में मिलते रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।